नॉट है दोस्तों, ये सिंपल से हमने इसको निकाल दिया है। अभी इसको हम करते ओपन। दोस्तों ओपन करने के बाद इसको रख देते साइड में, और इसके अंदर दोस्तों जो कि चीज़ आपको मिलती है वो देख सकते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, पहले तो गौर करना है इस फेज ये दोस्तों एक फ्यूज के अंदर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एजरेटेज यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मेरा नाम है शुभम, और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में आप जो मल्टीमीटर देख रहे हैं दोस्तों, ये मल्टीमीटर बहुत सारे कामों में यूज़ होता है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये अभी ऑफ हो चुका है, दोस्तों देख सकते हैं ये अभी ऑफ हो गया है। मतलब ये दोस्तों ऑन, मतलब जो कि मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसके अचानक से ख़राब हो गया है। दोस्तों इसमें क्या कुछ फॉल्ट है वो आज मैं आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस मतलब मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करते वो भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये आपको बहुत सारे कामों में यूज़ आता है और आगे चल के हो सकता है आपको ये भी कुछ काम में पड़े। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दोस्तों रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आपको मिल जाएगा, उस बटन को क्लिक करके हमारा एजरेटेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों आपके लिए ऐसे रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम वीडियो लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे मल्टीमीटर है। तो इसको हम रिपेयर कैसे करते दोस्तों वो बताने वाला हूँ, और यूज़ भी कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। इसको ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ फिर इसमें क्या कुछ होता है। तो दोस्तों इसके जो नट है दोस्तों, ये सिंपल से हमने इसको निकाल दिया है। अभी इसको हम करते ओपन। उसको ओपन करने के बाद इसको रख देते साइड में, और इसके अंदर दोस्तों जो की चीज़ आपको मिलती है वो देख सकते हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, पहले तो गौर करना है इस फेज ये दोस्तों एक फ्यूज़ के अंदर। इसको आपको देखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभी आपको चेक करने के लिए कोई मल्टीमीटर नहीं है, तो आपको ऐसा ही देखना है कि इसके अंदर जो आपको तार है दोस्तों वो कटी हुई नहीं चाहिए। ये होगा पहला फॉल्ट। अभी दूसरा फॉल्ट है दोस्तों हमारा, ये जो बैटरी है दोस्तों हमें चेक करके देखते हैं। ये चेक करने के बाद आपको तभी समझ में आएगा कि फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों ये जो बैटरी दोस्तों, ये जो बैटरी हम चेक करके देखते हैं। अभी हमने एक दूसरी बैटरी लाई दोस्तों, जो कि ए वाली है, सेम ऐसी है दोस्तों। तो हम चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों ये बैटरी निकाल के हम ये बैटरी चेक करते हैं कि इससे हमारा ये फॉल्ट रिपेयर होता है या नहीं होता है। दोस्तों इसको सिंपल सा ऐसे निकाल देना है जॉक से। इसे निकाल देने के बाद दोस्तों यहाँ से फिर से ये जो अपनी नई वाली बैटरी दोस्तों, इसको ऐसा लगा देना है। तो इसको मैं जैसे यहाँ पे लगा रहा हूँ दोस्तों, आपको सिंपल सबको ऐसे धीरे से यहाँ पे ऐसे लगा देना है। और लगाने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे देखना है ऐसे मोड़ के। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर ऑन हो गया है। तो दोस्तों देख सकते कुछ ऐसा एक फॉल्ट होता है अपने मल्टीमीटर में, और आप अच्छा खासा मल्टीमीटर फेंक देते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो हम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। दोस्तों सिंपल से बैटरी ख़राब हुआ था दोस्तों, इसकी वजह से मतलब डिस्चार्ज हुआ था, ख़राब तो नहीं होता दोस्तों, डिस्चार्ज हो गया था इसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। तो दोस्तों आगे चल के हम इसको यूज़ कैसे करते दोस्तों उसकी वीडियो बनाने वाले, तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।